गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मैथ्स क्लास। आई एम तबरेज़ अख्तर एंड वी आर स्टडिंग 5.1 एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। एंड हेयर वी आर इन द एडजॉइनिंग फिगर। जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर को देख के हमें बताना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये फिगर है और इसमें सबसे पहला है कि इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? तो एंगल 1 ये है, ठीक है, और एंगल 2 ये है, ठीक है। एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है। तो हाँ, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों अपनी आर्म यानी अपनी एक साइड जो है शेयर कर रहे हैं। देखो, ये वाली साइड जो है वो इसकी भी है और इसकी भी है। अब जब कोई एक साइड या फिर एक आर्म अपनी शेयर करा को अगर एंगल शेयर करते हैं तो वो एडजेसेंट कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इज़ ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई। क्या ए ओ सी जो है वो ए ओ ई के एडजेसेंट है? तो देखते हैं, ए ओ सी और ए ओ ई ये कहाँ गया? ये ए ओ और ई, ये जो एंगल कहला गए ये वर्टिकल एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है। तो एंगल जो एडजेसेंट कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं साइड साइड में होते हैं। जैसे एक एंगल ये हो गया तो उसके साइड में वाला एंगल को ये हो गया, ठीक है, ये वन है ये टू है, तो ये एडजेसेंट हो जाएंगे। पर इसमें एक एंगल ये है और दूसरा एंगल अंदर है, तो अंदर है तो ये वाला एडजेसेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके साइड में जो होता है यानी बगल में जो होता है वही एडजेसेंट कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड का आंसर। आप देखिए, नो दे हैव नो नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो जो कॉमन आर्म होती है उसके अपोजिट साइड में अगर नॉन कॉमन आर्म नहीं है, अपोजिट साइड में नॉन कॉमन आर्म नहीं है तो वो एडजेसेंट नहीं बनते। इसीलिए इसका जो आंसर है वो नो कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं, डू सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर? सी ओ ई और ई ओ डी कौन कौन से? सी ओ ई और ई ओ डी, ई ओ डी, ठीक है, हाँ, ये लीनियर पेयर कहलाएंगे। अच्छा, लीनियर पेयर कौन से एंगल कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऐसे एंगल कहलाते हैं कि जिनका अगर सम देखा जाए, जिनका अगर सम देखा जाए तो वो 180 हो जाए। तो पहला एंगल ये है, पहला एंगल ये है क्वेश्चन में कह रहा है, और दूसरा एंगल ये है। तो बताओ ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। आर बी ओ डी डी ओ ए सप्लीमेंट्री? बी ओ डी और डी ओ ए, बी ओ डी डी ओ ए क्या ये सप्लीमेंट्री है? तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं जिनका सम जो है 180 होता है ना। तो वहाँ पे जो केस था वो केस क्या था? सप्लीमेंट्री का केस था, इसीलिए यस दे आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर में आते हैं, ठीक है, 1990 का बन रहा है ना, इसीलिए वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा, 180 कहला जाएगा, ठीक है।
अब इज़ एंगल वन, एंगल टू, एंगल फोर वर्टिकली अपोजिट? वन और फोर क्या है, क्या अपोजिट है? ठीक है, एंगल वन ये वाला है ये, और एंगल फोर ये वाला है। हाँ, ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं कि देखिए, एक एंगल अगर ये है तो इसका पिन पॉइंट जो है उसी से दूसरा एंगल शुरू हो रहा है, ठीक है? तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल, ठीक है? तो इस टाइप से ये दोनों हैं। और सिक्स्थ इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल फाइव? एंगल फाइव का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? तो एंगल फाइव जो है वो आपका, ये आपका इतना बड़ा है, ठीक है? तो इसका अपोजिट जो है वो ये होगा पूरा, ठीक है? अब इसका नाम देख लो क्या है, सी ओ बी, इसका नाम है सी ओ बी, ठीक है? तो एंगल फाइव का सी ओ बी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आते हैं, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लीनियर पेयर। अब इस क्वेश्चन को देख के बताना है कौन से वर्टिकली अपोजिट है, कौन से लीनियर है। तो देख लीजिए इसका आंसर, यहाँ पे ये होगा कि एंगल वन का वर्टिकली अपोजिट एंगल फोर है, ठीक है? ये हो गया वन और फोर, ये दोनों एंगल हो गए, ठीक। उसके बाद एंगल फाइव का, ये पूरा एंगल फाइव का जो है वर्टिकली अपोजिट कौन से हो गए, ये वाले। तो ये पूरा एंगल है थ्री और टू से मिलके बना हुआ, तो एंगल फाइव का हो जाएगा, और किसके साथ, एंगल थ्री और एंगल टू के साथ, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। लीनियर पेयर बताओ, लीनियर पेयर जिससे 180 बन जाता हो, तो ठीक है, ये मैंने बता दिया एंगल वन और फोर जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल फाइव के साथ टू प्लस थ्री वाले एंगल बन रहे हैं। लीनियर पेयर वन और फाइव बन रहे हैं, या फाइव और फोर बन रहे हैं, चलिए देखते हैं। वन और फाइव देख लीजिए, वन और फाइव, ठीक है? क्योंकि ये वन और फाइव जो है वो देखो एक सीधी लाइन बना रहा है नीचे, ये सीधी लाइन मतलब 180 होता है, ठीक है? और कौन सा, फाइव और फोर, ये फाइव और फोर, ठीक है? तो ये दोनों एंगल जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल से मिलके 180 पूरा कंप्लीट हो रहा है, एक सीधी लाइन बन रही, ठीक है? तो ये मैंने लीनियर पेयर के बारे में बता दिया, और वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में बता दिया, ठीक है? अब 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू, गिव रीजन। क्या एंगल वन एंगल टू के एडजेसेंट है? अगर है तो आप बताइए और रीज़न दीजिए, ठीक है? एक जेड टाइप का आपके पास डायग्राम है, हाँ। अब इसमें कह रहा है कि एंगल वन और एंगल टू जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इनके वर्टेक्स कॉमन नहीं है। तो मैंने बताया कि एडजेसेंट में क्या होगा कि आपके साइड वाला होगा, जैसे ये हो गया और ये हो गया, तो अब क्या होता है कि वर्टेक्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे कि ये वर्टेक्स यानी ये। अब क्या है कि जेड में क्या है, इसका ऊपर की तरफ है, ठीक है, और दूसरे वाले एंगल का नीचे की तरफ है, ठीक है? तो ये अलग कंडीशन हो गई, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉट एडजेसेंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 में, 12 में देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
अब इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, ये जो है आपका, ये 55 है, ठीक है? ये 55 है, तो एक्स क्या होगा? एक्स भी 55 होगा अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक्स भी 55 होगा। बात सही है कि नहीं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो आपके इक्वल हो जाएंगे ना, ये 55 तो ये भी 55 होगा, ठीक है? इतनी समस्या सॉल्व। अब उसके बाद क्या है कि आपको पता है कि ये जो है, ये 55 और ये वाई जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि इनकी ये जो नीचे वाली लाइन है बिल्कुल सीधी है। तो हमको पता है लीनियर पेयर का मतलब होता है दोनों एंगल जो बना रहे हैं उनका सम अगर करूं तो वो 180 होगा। तो 55 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो वाई इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 55, ठीक है? जैसे ही करते हो आप, आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है? सबसे पहले मैंने ये किया सॉल्व। देखो, एक्स इक्वल टू 55, एक तरफ मैंने एक्स जो था उसको मैंने 55 ले लिया, क्योंकि मुझे पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर उसके बाद 55 प्लस वाई इक्वल टू 180 लिया, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। इससे मुझे वाई की वैल्यू मिल गई 125, ठीक है? जैसे ही 180 माइनस 55 किया, अब मुझे पता है वाई इक्वल टू जेड भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहला रहे हैं, ठीक है? तो मुझे सबकी वैल्यू पता चल गई, एक्स की, वाई की और जेड की, ठीक है? नहीं, क्योंकि देख लो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये वाई और जेड जो है वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये, ठीक? अब एक और क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? डायग्राम जो है आप देखिए, ये डायग्राम है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया है कि अब यहाँ पे आपका सेकंड नंबर में देख रहे हैं कुछ इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, और इसमें एक एंगल 40 है, ठीक है? ये एंगल 40 है, उसके साइड में आपका एक्स है और उसके साइड में 25 है, ठीक है? आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि हमें कितने एंगल गिवन है, ठीक है? और कोई वर्टिकली अपोजिट तो नहीं मिल रहा है उसमें, और उसमें कोई लीनियर पेयर तो नहीं बन रहा है, ठीक है? अब लीनियर पेयर बन तो रहा है, लेकिन वो उनमें दोनों की वैल्यू हमें पता नहीं है। जैसे वाई और जेड जो है लीनियर पेयर बन रहा है, लेकिन दोनों की वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि ये देखिए, ये एक लाइन जो है, ये पूरी सीधी लाइन है, इसका मतलब ये 180 की लाइन है, ठीक है? अब इस 180 की लाइन में मुझे ऊपर के एंगल देखो, ये पता है 40 डिग्री, ये पता है 25 डिग्री, और ये नहीं पता, सिर्फ एक्स, ठीक है? पर अब मैं ये बता सकता हूँ कि 40 प्लस x प्लस 25, 40 प्लस x प्लस 25 करूँगा तो मुझे 180 मिलेगा, क्योंकि ये सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है? तो यहाँ देखिए, 40 प्लस x प्लस 25 किया तो 180 मिला, ठीक है? अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे बहुत इजीली हम, ठीक है? इसमें क्या करेंगे भाई कि मैं 40 प्लस 25 पहले कर लेता हूँ, ठीक है? मुझे 65 मिलेगा, और एक्स मेरे पास था तो 65 प्लस x इक्वल टू 180, ठीक है? इस 65 को इधर कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 65, ठीक है? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 करेंगे तो 115 मुझे मिल जाएगा। ये 115 यानी 115 मुझे मिल गया। उसके बाद जब मुझे ये 115 मिल गया, अब कर सकते हैं 40 प्लस y, 40 प्लस y, देखो ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, यानी 180 है, ठीक है? इसमें दो एंगल है लीनियर पेयर के, एक ये 40 है और एक दूसरा वाला वाई है। तो 40 पता है, वाई नहीं पता है, तो वाई निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालूंगा? 40 प्लस वाई इक्वल टू 180 कर दूँ,
ठीक है, 40 प्लस वाई इक्वल टू 180 कर दिया, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 40 इक्वल टू 140। ठीक है, अब यहाँ पे y भी पता चल गया। अब y प्लस जेड इक्वल टू 180 हमें पता ही है, ये देखो ये पूरी सीधी लाइन है, y प्लस जेड कर लूँगा तो 180 हो जाएगा, और y की वैल्यू मुझे पता ही है 140, तो 140 रख दिया y की जगह पे। ठीक है, प्लस जेड इक्वल टू 180, 140 प्लस जेड इक्वल टू 180। ठीक है, अब 140 को इस साइड कर दिया, ठीक है, तो आपका 180 माइनस हो गया 140 से और आ गया सिर्फ 40, तो ऐसे मुझे जेड की वैल्यू मिल गई 40। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक में क्या दिया हुआ है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ देयर मेजर इज़, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनका उनका सम क्या होगा, 180 होगा। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है, ऐसे दो एंगल जो 180 बना दें तो लीनियर पेयर में भी 180 ही बनता है। और इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, अगर दो एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है तो वो एक क्या फॉर्म कर लेते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एंड इफ़ द टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सिक्स नंबर, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उसमें अगर एक ऑब्ट्यूज है तो एक एक्यूट हो जाएगा, या फिर एक एक्यूट है तो एक ऑब्ट्यूज हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल में, है ना। ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक। अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर पे, फोर्थ नंबर 14। ये फिल इन द ब्लैंक अगर सिक्स नंबर समझ में ना आया तो वो बता देता हूँ, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें कह रहा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं अगर, तो ये मान लीजिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर दी, इंटरसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को काटना, तो उसमें से अगर एक पेयर एक्यूट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर एक्यूट है, ये एक पेयर मतलब जोड़े जिनमें दो होंगे, जोड़ा मतलब जिसमें दो हो वो पेयर कहलाता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों एक्यूट हैं, छोटे हैं ये और ये, तो अगले पेयर जो होंगे यानी बचे हुए पेयर वो ऑब्ट्यूज होंगे, जैसे कि ये और ये, समझ गए, यही कहना चाहता था। और इसी की तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया है, इसमें आपको क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है उसमें से ऑब्ट्यूज एंगल बताने हैं, वर्टिकली अपोजिट भी होने चाहिए, मींस इसका मतलब होगा वो 90 से बड़े होंगे तभी ऑब्ट्यूज कहलाएंगे। तो ए ओ डी और बी ओ सी जो है वो आपके ऑब्ट्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या कह रहा है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो पहले इसके बारे में सुन लीजिए कि एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स होता हैव कॉमन वर्टेक्स। सबसे पहले सुन लीजिए कि जिसके पास वर्टेक्स कॉमन हो, बता चुका हूँ कॉमन आर्म हो, ठीक है, और कैसा हो कि नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ऐसा हो कि नॉन कॉमन आर्म जो है वो दोनों तरफ हो,
ठीक है, और बीच में कॉमन आम हो, ठीक है। एंड सम एंड सम ऑफ एंगल्स इज़ 90 डिग्री। ये सम ऑफ एंगल इज़ 90 डिग्री क्यों? क्योंकि एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है हमें कि सम में जो है वो 90 मिले, ठीक है। तो यही होता है आपका एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो इसमें आपको ऐसा कोई दिख रहा है कि एडजेसेंट भी हो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो? तो मुझे तो दिख रहा है, देखो एक ये हो गया और एक ये वाले हो गए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 90 भी बन रहे हैं, ठीक है। देखो ना, ये 90 बन रहा है और इसके अंदर के जो एंगल जो हैं वो एडजेसेंट भी हैं, ठीक है। कौन से? ए ओ ए, ए सॉरी बी ओ ए और ए ओ ई, ठीक है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूं अगर, कि जो इक्वल नहीं है, ठीक। अनइक्वल इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ एंगल इज़ 180 एंड सप्लीमेंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से कहलाते हैं? कि दो एंगल, ऐसे दो एंगल हों जिनका सम करें अगर, ठीक है, तो वो क्या हो जाए? 180 हो जाए, पहली चीज़, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। अब इक्वल सप्लीमेंट्री मतलब अब दो जो दोनों एंगल है ना वो बराबर बराबर हो, यानी 90 90 हो, सीधी सी बात है, 90 90 हो, ठीक है। तो 90 90 डिग्री के दो एंगल अगर आपको डायग्राम में दिख रहे हैं और दोनों जो है तो पेयर में 180 का एंगल बना रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो इक्वल सप्लीमेंट्री है। और अनइक्वल सप्लीमेंट्री की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ए ओ ई, ई ओ सी। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी वही सप्लीमेंट्री जो कि हम करते आए हैं, कि दोनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए, चाहे पहला वाला ज़्यादा हो या दूसरा वाला कम हो, पहला वाला ज़्यादा हो दूसरा वाला कम ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ नंबर के क्वेश्चन, ए ओ ई, ई ओ सी, ए ओ ई, ई ओ सी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं ए ओ ई, ई ओ सी, ठीक है, तो क्योंकि ये सीधी लाइन नीचे वाली बन रही है, ठीक है, तो ये हो गए आपके अनइक्वल हो गए, क्योंकि दोनों जो एंगल हैं वो दोनों बराबर के नहीं है, ये और ये दोनों बराबर नहीं है इसीलिए। और दोनों अगर बराबर होते हैं यानी 90 90 के, तो वो कहला जाता है आपका इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि ये है, मैं बता देता हूँ, एक ये है और एक ये है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी नीचे की लाइन बिल्कुल सीधी है यानी 180 है, और ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर के हैं यानी इक्वल सप्लीमेंट्री है। अब लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ऐसा एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, ऐसा एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बना रहा है। भाई लीनियर पेयर के बारे में मैंने बताया था कि भाई लीनियर पेयर मतलब ऐसे दो एंगल जो है वो अपने आप में जब जुड़ जाएँ तो 180 बना लें, तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो अब ऐसे एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए क्या है ऐसे कोई जो लीनियर, हाँ है तो बहुत सारे, ठीक है। ये देखिए ए ओ बी, ए ओ ई, ए ओ ई और ई ओ डी एंड ई ओ डी एंड सी ओ डी, ठीक है। ये दोनों ये एंगल जो है एक्चुअली में एडजेसेंट तो हैं, पर ये कोई लीनियर पेयर नहीं बना रहे, ठीक है। लीनियर पेयर यानी ये अपने आप में सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं है, इसीलिए ये लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर मीन एंगल्स हैव कॉमन रे बट द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर नॉट सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो जो लीनियर पेयर में जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री नहीं है, यानी 180 नहीं बना रहे हैं, सेम चीज़ है, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 का पूरा करा दिया। अब 5.2 में आते हैं, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, ठीक है, समझते जाइए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो बनाई है इसने, कोई ना कोई प्रॉपर्टी का यूज़ करके बनाया हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी को हमें बताना है। तो इस फिगर को देखिए, पहले इस फिगर में ए जो है
एक लाइन है और ये बी भी एक लाइन है। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल है यानी समांतर है। यानी समांतर माने क्या होता है कि ये दोनों एकदम एक दूसरे के आमने सामने हैं, एकदम सीधी है, बराबर हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आप चाहो तो जितना भी आगे कर लो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए ये पैरेलल है। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर जाएँ तो ये पैरेलल नहीं कहलाएंगे। जैसे कि अगर कोई ऐसी लाइन है, कोई ऐसी लाइन है, तो ये दोनों लाइन तो हैं पर ये आगे जाके क्या होंगी, एक दूसरे को काट देंगी, इसीलिए ये पैरेलल नहीं कहलाएंगी। ठीक है, पैरेलल को बता दिया क्या होता है। ठीक है, अब ये जो है इस फिगर में ये वाली जो है ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए और बी पैरेलल, ए बी पैरेलल है तो एंगल वन और इक्वल टू हो जाएगा एंगल फाइव। एंगल वन जो है एंगल फाइव के इक्वल हो जाएगा। एंगल वन जो है एंगल फाइव के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर्टी का नेम भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, गिवन एंगल ए पैरेलल बी देन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव, इसको हम कहेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेज़र। ठीक है, अगर कोई दो लाइन है और उसको कोई एक लाइन काट दे इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई दो लाइन है और उसको कोई इस तरीके से एक लाइन काट दे, या जैसे भी काट दे, या इस तरीके से काट दे। ठीक है, तो अब जो एंगल कहलाएंगे, देखो ये एक ये हाँ और ये। ठीक है, जैसे कि ये और ये, तो ये जो एंगल जो हैं वो आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि इफ़ एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स देन ए पैरेलल बी। कह रहा है कि अगर एंगल फोर और एंगल सिक्स जो हैं वो अगर बराबर हैं, एंगल फोर और एंगल सिक्स यानी ये बराबर हैं, तो ए ज़रूर बी के पैरेलल होगी, ए ज़रूर बी के पैरेलल होगी। तो ठीक है, इसके बारे में भी अगर हम देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस सच दैट पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। तो अब ये दूसरी प्रॉपर्टी सुन लीजिए कि जब कोई दो लाइन को व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो कुछ इस तरीके से काटें कि इंटीरियर एंगल यानी अंदर के एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल। तो ठीक है, तो ये सारे अंदर के एंगल कहला गए। ठीक है, ये अंदर के एंगल कहला गए ये दोनों। ठीक है, और ये वाले दोनों जो है ये भी अंदर के कहला गए। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे कहलाएंगे? तो देखो, अगर मैं एक एंगल ये लूँ, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट ये कहलाया। ठीक है, इसका अल्टरनेट ये कहलाया। ठीक है, एक एंगल मैंने ये लिया, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट क्या कहला ये। ठीक है, तो आप साइड में देख लीजिए, एक एंगल अगर ये है तो इसका अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा,
ये हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल जो है, जो कि इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो अगर इक्वल है तो इससे क्या पता चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो दो लाइन से मिल के बन रहा है, यानी दो लाइन से, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये जो दो लाइन से मिल के बन रहा है, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होगी, यानी एक दूसरे के समांतर होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन से पता चल रही है, जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन में, ए 4 + 5 = 180, देन ए पैरेलल बी। अगर एंगल 4 और एंगल 5 जो है 180 है, एंगल 4 एंगल 5 देख लो, एंगल 4 ये है और एंगल 5 ये है, ठीक है। अगर ये दोनों 180 हैं तो ए पैरेलल बी होगा, यानी ए जो है वो बी के पैरेलल बन जाएगी। अगर ये नहीं है 4 + 5 = 180, तो पैरेलल नहीं होगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को देख लो आप। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर कोई लाइन, अरे ये थोड़ा सा मुझे, अगर कोई लाइन जो है किसी दो लाइन को ऐसा काट दे कि उसके इंटीरियर सेम साइड के एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी अगर ये एक एंगल लिया तो दूसरा सेम साइड का कौन सा होगा, ये वाला, ये दोनों जो हैं अगर सप्लीमेंट्री बन जाते हैं, यानी इन दोनों को प्लस करें तो 180 बन जाए, वही तो सप्लीमेंट्री कहलाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन जो है पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल भी, अगर ऊपर वाली ए और नीचे वाली बी है तो। तो ये चीज़ समझे, ये चीज़ समझे कि नहीं समझे, ये प्रॉपर्टी है बेटा, इस चीज़ को आप समझ लो, इसको लर्न कर लो, तब जाके बेटर रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। अब ये जो फिगर है, इस फिगर में मुझे आइडेंटिफाई करना है द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करूं तो एंगल 1 और एंगल 5 बन जाएगा, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 बन जाएगा। देखो एंगल 1 ये है, एंगल 1 जो है वो ये है, और एंगल 5 जो है वो ये नीचे वाला है, ठीक है। मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया था, एक लाइन अगर काट दे तो उसके साइड के जो एंगल बन रहे हैं तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है, यानी उससे और पैरेलल लाइन से मिलके जो बनते हैं, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग 1 और 5 कहला जाएगा, 2 और 6 कहला जाएगा, देखो 2 और 6 कहला जाएगा। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, ये 2 है और ये 6 है, ठीक है, ये कहला जाएगा, उसी लाइन से मिलके बनना चाहिए जो काट रही है, ठीक है। 2 और 6 हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 8 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 4 है, अच्छे से देख लो, ये 4 है और ये 8 है, ठीक है। अब इसके बाद पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दूसरा क्वेश्चन है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 है और 5 है, ठीक है। 3 एंगल जो है वो ये है और 5 है, यानी ये है, जेड बनाएं तो समझ जाना अल्टरनेट इंटीरियर। 2 और 8 है, ठीक है, यहाँ पे 2 और 8 जो है जेड बना रहे हैं, समझ आ गई बात, 2 और 8 जो है वो एंगल 2 और 8 जो है जेड बना रहे हैं, तो ये भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहला जाएंगे। फिर उसके बाद आप आ जाइए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड जो है वो कौन कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8 जो है इंटीरियर एंगल सेम साइड हो जाएंगे, ठीक है। ये एंगल 3 और एंगल 8, ये देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम है, तो ये एंगल 3 ऊपर है,
और यहाँ पे एट है, मैंने बताया था सेम साइड के हैं ये एंगल, ठीक है, और इंटीरियर एंगल है, और टू और फाइव कहला जाएंगे, टू और फाइव जो है इस साइड पे हैं, टू और फाइव, ठीक है, यही डायग्राम में देखोगे समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और उसके बाद पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल के बाद फोर्थ नंबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल में, एक मिनट देखो, एक मिनट, तो वर्टिकली अपोजिट देख लो, वन थ्री है और टू फोर है और सिक्स एट है, वन थ्री टू फोर सिक्स एट, ठीक है, देख लेते हैं, वन और थ्री, अरे साफ साफ दिख रहा है आपको, वन थ्री, ठीक है, और टू फोर, यानी ये टू है ये फोर है, ठीक है, सिक्स और एट, ये देखो ये सिक्स है और ये एट है, भाई वर्टिकली अपोजिट के बारे में तो आप जानते हो ना, ठीक है, एक ही लाइन से मिलके बने हो, यानी दो लाइन ऐसी हैं जो कट रही हों, ठीक है, तो उसके दोनों साइड के एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी और क्यू पैरेलल है एंड फाइंड द अननोन एंगल्स। अब इसमें जो अननोन एंगल्स हैं उसको हमें फाइंड आउट करना है, तो हम प्रॉपर्टी के थ्रू ये सारे एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है, हमें सिर्फ 155 दिया हुआ है यहाँ पे और बाकी और कुछ भी शायद नहीं दिया है, ठीक है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो भाई चले देखते हैं। सबसे पहले आपका ये 125 है, 125 और ई को मैं देख लूँ, 125 और ई को देख लूँ जो ऊपर की तरफ है, ये दोनों जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा, तो मैं सबसे पहला यही काम करता हूँ, 125 प्लस ई इक्वल टू 180 करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ई की वैल्यू मिल जाएगी, तो ई की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 180 माइनस 125, जैसे ही करा मैंने, मुझे मिला आंसर 55, तो ई की वैल्यू जो है वो मुझे मिल गई 55, तो सबसे पहले ई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब ई इक्वल टू एफ कर सकता हूँ, ई इक्वल टू एफ क्यों कर रहा हूँ भाई, ई इक्वल टू एफ क्यों कर रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट है, ई इक्वल टू एफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, बुक में देखिए ई इक्वल टू एफ कर रहा हूँ, इसीलिए एफ भी 55 हो गया, ठीक है। अब एफ भी 55 हो गया, अब ये कह सकता हूँ कि ए जो है वो एफ के इक्वल है, ए जो है वो एफ के इक्वल है, ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए ये है, ठीक है, और F जो है ये, F ये है, F ये है और A ये है, ठीक है, क्यों इक्वल है, मैंने बताया था, इसके लिए मैंने बताया था कि आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कहला रहा है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कहला रहा है वो इक्वल कहलाता है, अगर लाइन पैरेलल है तो, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो आपका इक्वल कहलाता है अगर लाइन पैरेलल है तो। यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद अब कितनी वैल्यू फाइंड हो गई, ए भी फाइंड हो गई, एफ भी फाइंड हो गई, अब ए प्लस बी इक्वल टू 180 कर सकता हूँ, ए प्लस बी 180 कर सकता हूँ, ये देखिए ये जो एक तरफ का ए है एक दूसरे तरफ का बी है, तो इन दोनों को कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का, तो ये ए है ये बी है, तो ये दोनों 180 बना रहे हैं कि नहीं, नीचे देखो ना ये पूरा 180 बना रहा है कि नहीं, तो इनको 180 कर दिया, ठीक है, ए की वैल्यू मुझे अभी पता चली 55, ठीक है, ए की वैल्यू मुझे पता चली 55, तो मैंने ए प्लस बी इक्वल टू 180 में ए की वैल्यू 55 रख दी, प्लस बी इक्वल टू 180, और 55 को मैंने इस तरफ किया तो 180 से माइनस हो जाएगा 55, ठीक है, तो
180 से 55 माइनस हो जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी, और वो बी की वैल्यू कहलाएगी आपकी 125। ठीक है, बी की वैल्यू होगी 125, और जो बी की वैल्यू होगी वही डी की वैल्यू होगी, क्योंकि बी और डी जो है वो वर्टिकली अपोजिट हैं। देखो 125 इसका है, तो ये देखो इसका अपोजिट है डी है ये, तो डी भी 125 कहला जाएगा। ठीक है, तो ये बी और डी कह दिया, और ए इक्वल टू सी हो जाएगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट है। देखो ये ए है और ये सी है, और ए की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने पता की थी 55, तो सी की वैल्यू भी 55 हो जाएगी। तो इस टाइप से हमने सारे एंगल्स को पता कर लिया है। ठीक है, इस टाइप से हमने सारे एंगल्स को पता कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये फिगर जो है उसमें ऊपर जो है 110 दिया है, 110 दिया है, नीचे दिया है एक्स दिया है। तो इसमें बहुत इजी है इसमें एक्स की वैल्यू निकालना, क्योंकि देखो हमें पता है कि ये जो है लीनियर पेयर बना रहा है 110 जो है, लेकिन इसके साथ बना रहा है, इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन जस्ट इसके नीचे की वैल्यू हमें पता है एक्स है। और हमें पता है कि अभी हमने एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, जो कि सेम होते हैं। तो ठीक है, तो नीचे एक्स है तो यानी ऊपर भी एक्स कहलाएगा, और इसीलिए हमें एक्स की वैल्यू अब पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी भाई? सीधी सी बात है, हमको पता है कि ये जो एंगल बन रहे हैं वो 180 बन रहा है, यानी 110 प्लस एक्स कर दूंगा तो मुझे 180 मिलेगा। ठीक है, 180 मिलेगा, और 110 प्लस एक्स करूंगा तो 180 मिलेगा, तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 110 कर दूंगा, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 110। जैसे ही 110 माइनस करता हूँ तो हमको 70 डिग्री आंसर मिलेगा, एक्स की वैल्यू 70 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, भाई सीधा सा फंडा लग रहा है, और इसमें कुछ नहीं करना है। देखो ये फिगर जो है इसमें पहले ही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि L जो है और M जो है वो पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो भाई अब ये लाइन एक काट रही है। ठीक है, तो उसमें से अगर ऊपर वाली 100 है, ये वाली अगर 100 है, तो नीचे वाली x है, तो नीचे वाली भी तो 100 होगी। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं दिख रहा है क्या? ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं दिख रहा है क्या? 100 और x करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है क्या? है ना, अगर मैं इसको ऐसे पलटा के देखूँगी तो आपको वैसे ही फिगर दिखेगा जैसे अभी पहले सॉल्व किए थे। तो इसमें दो ही क्वेश्चन है और आंसर कॉपी में 3 क्वेश्चन हो सकता है। नई बुक और पुरानी बुक का कुछ प्रॉब्लम हो, अगर है तो मुझे ऐसा आप मुझे मैसेज कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इफ़ द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड डी जी सी एंड डी ई एफ। डी जी सी और डी ई एफ के एंगल को हमें निकालना है। इसमें भाई इसमें भी सीधा सा फंडा हुआ है। इसमें भी क्या है कि पहले कह रहा है इस क्वेश्चन में, साफ साफ समझिएगा मेरी बात, कि पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो हमने फिगर दिया हुआ है इसमें दो ठो एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है, दो एंगल है। अब ये दोनों एंगल की लाइन जो है ना वो पैरेलल है, जैसे कि ये वाली लाइन जो जा रही है ना, वो ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये वाली समझ लो पैरेलल है, क्योंकि क्वेश्चन भी कह रहा है। और अगर ये 70 है, एक 70 है, तो ये वाला क्या होगा और ये वाला क्या होगा? भाई अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल कहला जाएंगे। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर काटते हुए जोड़ रही है तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल उसमें मिल जाते हैं, और ऐसे ही ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल कहला जाएंगे, यानी एक ये और एक ये। ठीक है, क्योंकि ये जो है इस लाइन से बन रहे हैं और ये
दोनों पैरेलल लाइन ऑलरेडी हैं, तो ये ऊपर का एंगल और ये एंगल दोनों ये भी 70 होंगे, तो हमें सारे 70 ही मिलेंगे अगर हम इन दोनों इनमें प्रॉपर्टी लगाएं तो। और इसका आंसर देख लीजिए, कुछ इस तरह मैंने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है, वही प्रॉपर्टी के थ्रू बताया हुआ है आंसर। सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम। अब इस फिगर में बताइए कि एल और एम पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। अब पैरेलल होने की प्रॉपर्टी भी मैंने बता दिया है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अगर आपको पैरेलल एल और एम है कि नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, इंटीरियर के जो एंगल है, जो एक ही तरफ के एंगल है सेम साइड के हैं, वो एक 126 है एक 44 है, इन दोनों को सम करो, अगर 180 आता है तो एल और एम पैरेलल है, ठीक है। तो 126 और 144 को मैंने सम किया, 170 आ रहा है, इसका मतलब पैरेलल नहीं है। एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स शुड बी 180 होना चाहिए, 180 नहीं है। सेकेंड नंबर में एल और एम पैरेलल है कि नहीं है इसमें भी पूछ रहा है, तो इस पे हमें जो एंगल दिए हुए हैं ये हमें एक्चुअली में इंटीरियर अपोजिट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, 75 और 75 नहीं, एक्चुअली में इंटीरियर अपोजिट नहीं है। ये इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि भाई अगर ये एल और एम पैरेलल होते तो ये 75 जो है, ये 75 जो है, ठीक है, वो इस नीचे वाले के भी इक्वल होता, यानी ये भी 75 होता और फिर ये भी 75 होता, तो ये दोनों का जो सम होता वो 180 होना चाहिए था, 75 प्लस 75, जबकि 150 हो रहा है, जो कि इसीलिए ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। और 57 प्लस 123, अब इसमें क्या करना है कि ये 57 है और ये है आपका 123, ठीक है, 57 और 123, ये भी अगर 180 होगा तो आपकी L और M पैरेलल हो जाएगी। 57 और 123 जो है 180 हो गया, इसीलिए ये पैरेलल है, ठीक है, ये वाला पैरेलल है, ये वाला डायग्राम में पैरेलल है L और M। लास्ट है 98 एंड 72 भी प्लस कीजिए, अगर ये 180 आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको पैरेलल L और M मिल जाएंगे, लेकिन ये भी 170 है, 180 नहीं है, इसीलिए ये भी पैरेलल नहीं है। तो फिर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया।